अभी कंपटीशन होगा 7th स्टैंडर्ड के बॉयज का गोला फेंक या बॉडी ऐसा गोला फेंका अनिकेत ने। अभी सेकंड स्टेप पे आ रहा है शिवलिंग, शिवलिंग देखते हैं बहुत तगड़ा प्लेयर है, देखते हैं क्या तगड़ी कामगिरी कर देता है। ओह सामान्य गोला फेंका है, बहुत ही अच्छा ट्राई किया है। फिर भी कुछ दिन उसकी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन उसने तबीयत अपनी ठीक करके अभी फिर से ग्राउंड में आ गया है दोबारा वापसी। अब देखते हैं शैलेश, ओह शैलेश को गोला ठीक से नहीं फेंक पाया शैलेश, बहुत ही अच्छा पतला सा प्लेयर आयुष काफी एक्टिव, देखते हैं गोला फेंक में क्या काम करी कर देता है। ओ दोनों हाथों से फेंक दिया, कुछ एक हाथ में दिक्कत थी इसलिए दोनों हाथों से पकड़ा। अभी देखते हैं सुमित, पढ़ाई में होनहार स्टूडेंट लेकिन गोला में ओ फॉल कर दिया सर, आगे आ गया थोड़ा बहुत फॉल के लिए यहाँ पे एक्सक्यूज है, लेकिन उनकी ताकत देखकर उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड किया जा रहा है। थाला फेंक एक काफ़ी रोमांचकारी काफ़ी अनुभव का स्पोर्ट है, पुलिस और फोर्स के लिए इसमें इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन बच्चों को थाली फेंक क्या होती है गोला फेंक क्या होता है ये पता होनी चाहिए, इसलिए 7th स्टैंडर्ड से ही इनको यहाँ पर ट्रेंड दिया जा रहा है। ये फर्स्ट गर्ल है गीतिका, देखते हैं गीतिका अपना परफॉर्मेंस कैसे करती है। ओह दोनों हाथ से नहीं फेंकना है, दोनों हाथों से नहीं फेंकना है, बच्चों को उतना बताया जाने के बावजूद भी गोला थोड़ा सा वजनदार होता है, एक हाथ से दिक्कत होती है इसलिए दोनों हाथ से फेंकने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट गुड थिंग। ओके एक हाथ से फेंक रहे हैं, ये बच्ची दिखा रही है कैसे फेंक रहे हैं। नेक्स्ट श्रद्धा, श्रद्धा उनगतवार, ओह क्या हो गया श्रद्धा। ओके हाँ पूरी ताकत लगा देना, सध्या तरी एक दोन तीन सिक्वेन्सने थांबलेत बघा, हा हिना आली तिसरा, ओह तिसरा अच्छा परफॉर्मन्स, देखते काफी कम कद का प्लेयर है लेकिन गोला भी कमी फेंक पाई। ओके थैंक यू वेरी मच।